तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज सर मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 11 को स्टार्ट कर चुके थे। अध्याय 11 के अभी तक मैं आपको दो पार्ट की वीडियो दे चुका हूं। सेकेंड पार्ट में हमने अपना पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय को लिख कर उसको सिद्ध भी कर लिया है। आज की इस क्लास में मैं आपको चार नंबर वाले प्रश्नों के बारे में आने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या है सर? तो इस मिशन का नाम है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम क्या है? अध्याय 11, ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, और यह होने वाला है भाग 3। जी हां बच्चों, भाग 3 में मैं आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चार नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है, डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन की ओर जाना पसंद करेंगे। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। आइए, हाँ, अब क्या बोला गया इस प्रश्न में? प्रश्न क्रमांक एक, देखो प्रश्न क्रमांक एक को हम पढ़ते हैं एक बार और समझते हैं। क्या बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है वो अधिक कोण है, यदि एडी अभिलंब है सीबी, तो सिद्ध कीजिए कि एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू बीडी। और ये क्वेश्चन जो कब का पूछा गया सर? तो ये आया 2005 में, आया था बहुत पहले, 2005 में आया था सेट ए में, फिर 2010 में पूछा गया था सेट एबीसी में। तो 5 स्टार लगा के रखना, इस क्वेश्चन को आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। आ जाओ, तो सर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें कि हमें चार में से चार अंक मिले? देखो, इसको लिखने का मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखो हल। देखो, अब यहां पर बात की गई है कि सर कोण बी जो है वो अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। तो सबसे पहले हमें यहां पर बनाना पड़ेगा अधिक कोण। बिल्कुल, देखो अधिक कोण कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर मैंने एक लाइन बना ली, देखो। उसके बाद देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस लाइन के ऊपर में एकदम लंबवत ऐसे लाइन खींच दूंगा तो वहां पर तो 90 अंश का कोण बनता है। अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो 90 से कम हो जाएगा। अगर मैं सीधा खींच देता हूं ऐसे तो 90 हो जाता है। अगर मैं ऐसे खींच दूंगा तो 90 से अधिक हो जाएगा। अब मुझे यहां पर निकालना क्या, मुझे बनाना था कोण बी का जो मान है वो कितना। बच्चों अधिक कोण है, कोण बी अधिक होना चाहिए। तो अधिक कोण को पहले आपको समझना पड़ेगा सर। तो अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। मैंने क्या कहा बच्चों, अधिक कोण क्या है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अगर सीधा मैं एक लाइन बनाऊंगा तो वो तो 90 बन जाएगा, तो मुझे इस साइड बनाना पड़ेगा। देखो, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यह हमारा बन चुका है अधिक कोण। देखो, मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ देता। बिल्कुल, देखो इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो यहां पर अब आपको एक त्रिभुज दिखने वाला सर। देखो, ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये हुआ सर हमारा सी। अब ये जो कोण बी है ना वो अधिक कोण है। त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो अधिक कोण है, मतलब कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। बिल्कुल सर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर मैं एक अभिलंब डाल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर मैं अभिलंब डाल रहा हूं। कुछ इस प्रकार से देखो, मैंने यहां पर एक अभिलंब डाल दिया। देखो, ठीक है, देखो अभिलंब डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देते। देखो एक सेकेंड, ये अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन भुजाओं को ऐसे मैंने मिला दिया। देखो, तो अब हमें यहां पर क्या मिलेगा? देखो बच्चों, ये ए बी सी हो चुका था, चलो मैंने यहां पर अभिलंब डाला था, उसको नाम दे दिया सर एडी नाम दे दिया। अब यहां पर हमें क्या क्या मिला, इस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे। देखो, दिया है त्रिभुज एबीसी में। बिल्कुल, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बस 4 से 5 मिनट में इस क्वेश्चन का काम तमाम हो जाएगा। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, दिया है त्रिभुज एबीसी में जो कोण बी है ना बच्चों वो अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है, अधिक कोण है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। फिर हमने एक रचना भी किया हुआ था कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर हमने एक अभिलंब डाला था जिसका नाम सर क्या है, एडी है। क्या है? एडी है। तो हम यहां पर अब लिखेंगे रचना। देखो क्या हमने रचना किया हुआ, रचना, तो सर हमने क्या रचना किया हुआ है कि हमने शीर्ष ए से भुजा, ये देखो भुजा बीसी पर हमने एक अभिलंब डाला जिसका नाम था सर एडी। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे कि एडी अभिलंब है भुजा बीसी पर। ये कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? ये अभिलंब का चिन्ह होता है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें अच्छे से समझ में आ चुकी। अब देखो,
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना ना उस बात को हम यहां पर पहले लिखना चाहेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल, देखो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है उसको हम एक बार यहां पर उतारना चाहेंगे। देखो हमें क्या सिद्ध करना है सर, तो हमें सिद्ध करना कि ac स्क्वायर बराबर ये होता है ab का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर क्या था bc स्क्वायर और प्लस के साथ में और क्या था (2bc)(2bc)(bd)। ये हमें प्रूफ करना, बिल्कुल सर इसको प्रूफ कर दिखा देंगे। देखो इतना लाइन क्लियर है क्या, चार लाइन आपको क्लियर हो चुका। पहले हमने चित्र बनाया, फिर दिया हमें, हमने लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है, फिर हमने लिखा है कि रचना, हमने क्या रचना की है बता, कि शीर्ष A से हमने भुजा BC पर एक अभिलंब लिया जिसका नाम सर हमने AD नाम दिया। बिल्कुल, फिर हमें जो सिद्ध करना था उसको मैंने यहां पर चिपका दिया। ठीक है, ये हमारा चार लाइन हो चुका। ठीक, चलो अब आगे हम इसकी उपपत्ति करने वाले हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम प्रूफ करने वाले। बिल्कुल देख लो, तो यहां पर हम लिखेंगे उपपत्ति। देखो उपपत्ति, सिद्ध करना हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, सिद्ध करना हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो यहां पर मैं एक त्रिभुज लेने वाला हूं, समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, बिल्कुल समकोण त्रिभुज एबीसी में। बच्चों समकोण त्रिभुज में आप एक बात जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में प्रूफ करा दिया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, ये जो कर्ण का वर्ग होता है बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कौन कौन सी जो भुजा बच जाती है, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब कि एसी का वर्ग, देखो तो सर ये हो जाएगा एसी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। आधार क्या है यहां पर, ये सीडी आधार है क्या बच्चों, तो ये हो जाएगा सीडी का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सर सीडी का वर्ग हो गया, प्लस है तो प्लस मैंने चिपकाया। फिर आता है सर लंब का वर्ग, तो ये लंब क्या है सर, यहां पर ये एडी है, लंब क्या है, लंब बोलो या फिर आप बोल सकते हो इसको अभिलंब बोल सकते हो, तो ये सर हो चुका एडी स्क्वायर। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। देखो तो इसको लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर, अब सीडी, सीडी की जगह हम क्या लिख सकते, देखो सी से लेकर डी तक की दूरी ये है, तो मैं सीडी को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सर इसको, मैं लिख सकता हूं बी बी डी प्लस, मैं इसको लिख सकता हूं बी सी। भाई अगर टोटल दूरी ये सी डी है तो हम इसको टुकड़े में लेंगे तो कैसे कैसे बनेगा, बी से लेकर डी तक की दूरी और बी से लेकर सी तक की दूरी हो जाएगी। तो मैं यहां पर सी डी की जगह क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं बी डी प्लस, ये हो जाएगा बी सी, बीसी पूरे का वर्ग कर देंगे क्योंकि पूरे का वर्ग यहां पर दिख रहा है आपको, प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर ये हो जाएगा सर एडी स्क्वायर। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। फिर ये हो जाएगा सर एसी स्क्वायर। अब देखो यहां पर a प्लस b होल स्क्वायर का यहां पर फॉर्मूला लगने वाला है। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगने वाला है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ये होता है 2ab। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी भी अच्छे से हमें समझ में आ चुकी है। देखो यहां पर ए की जगह आपको दिखेगा बी डी, अब बी की जगह आपको क्या दिख रहा है बी सी, तो जहां जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां पर चिपकाओगे बी डी को, और जहां पर बी दिख रहा है वहां पर चिपकाओगे किसको, बी सी को चिपकाओगे। तो बैठो क्या चिपकाओ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको लेना है बी डी, तो बी डी स्क्वायर लगा प्लस है तो प्लस, फिर क्या था सर बी स्क्वायर और बी की वैल्यू हमें लेना बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का वर्ग प्लस है तो प्लस, फिर क्या है 2ab, तो 2 को पहले लिखो फिर गुणा में ए को लिखो, ए का मान हमने निकाला हुआ सर बी डी, फिर यहां पर बी, बी का मान क्या सर ये बी सी, तो ये हो चुका बी सी। फिर देखो अभी भी ये लास्ट वाला पद बचा हुआ है, तो ये इसको एज इट इज मैंने लिख लिया। बिल्कुल बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब देखो अभी देखो हमें जो सिद्ध करना था उसमें क्या था, हमें सिद्ध करना उसमें एसी स्क्वायर है, ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। फिर राइट हैंड साइड में और क्या दिया था, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2bc और bd। देखो जो सिद्ध करना है उसमें ये भी आ चुका है, ये भी सर हमारा आ चुका है। और देखो यहां पर ए बी स्क्वायर था ना, ए बी स्क्वायर और यहां पर बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, जो एक्स्ट्रा में बच चुका है वो ये दोनों बच चुका है, ये दोनों बच चुका है। और इसके जगह सर हमको चाहिए ए बी स्क्वायर, क्या चाहिए ए बी स्क्वायर चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों मैं इसको ना थोड़ा सा जमा कर लिखने वाला, देखो कैसे जमा कर लिखूंगा, तो ए सी स्क्वायर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने चलो मैंने इसको पहले लिख लिया बी डी स्क्वायर, तो पहले लिख लिया फिर प्लस,
एडी स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसके जगह क्या चाहिए सर, एबी स्क्वायर चाहिए। अब ये एबी स्क्वायर कहां से आएगा, धैर्य बना के रखो, मैं बताऊंगा कहां से आएगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, फिर देखो अभी भी क्या बचा हुआ, ये बीसी स्क्वायर को लिखा है पहले, ये बीसी स्क्वायर बचा हुआ था प्लस, फिर क्या बचा है सर, ये बचा हुआ टू बी डी इंटू बीसी बचा हुआ है। यहां तक की कहानी क्लियर है, ये दोनों पद मुझे एक्स्ट्रा में दिख रहा है, सर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो वापस आओ अपने चित्र पर और समझो। देखो अब देखो यहां पर, अच्छा अच्छे से सुनना है, देखो हमें ना एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज और यहां पर दिख रहा है, ए डी और ये बी दिख गया सबको। अब यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, कि कर्ण का वर्ग, यहां पर कर्ण ये होगा, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग, ये सर हमारा होगा आधार, तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है सर यहां पर ए डी, तो ये हो जाएगा सर ए डी का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यहां पर देखो मिला हुआ था हमें BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, AB स्क्वायर रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं बच्चों, AB स्क्वायर रख सकते हैं। तो देख क्या रखेंगे, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की जगह हम रखने जा रहे हैं AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब यहां पर क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है बीसी स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर ये हो जाएगा टू बी डी इंटू, ये हो चुका सर ये बीसी। अब ये आया कहां से है, तो ये आया हुआ चूंकि चूंकि ए डी बी, चूंकि ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी बराबर क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या बच्चों, समकोण त्रिभुज है, और उस समकोण त्रिभुज में हमने क्या लगा दिया है, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर दिया था, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय हमने यहां पर इसको ऐसा लिख दिया है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, अच्छे से क्लियर है। अब जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, क्या सिद्ध करना था, एसी स्क्वायर बराबर, यहां पर भी एसी स्क्वायर बराबर आए, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर था, यहां पर भी ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर था, फिर क्या था टू बीसी इंटू बी डी, फिर यहां पर देखो टू बीसी, बीसी को बाद में सकते हैं फिर बाद में लिखे या फिर पहले, दोनों की बात देखिए भाई, दो गुना तीन करे या फिर तीन गुना दो करे, गुणा को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो यहां पर टू बी डी इंटू बी सी लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा आप जमा कर लिखना चाहते हो, अगर बी सी को पहले लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर। देखो ए बी स्क्वायर तो आ चुका था, ये बी सी स्क्वायर भी आ चुका था, अब इसी बस को थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, हम बी सी को पहले लिख दिए और बी डी को हमने बाद में लिख दिया, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है, और जो हमें सिद्ध करना था वो चीज आ चुका है, यही हमें सिद्ध करना था, लास्ट लाइन में लिखेंगे यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही सिद्ध करना था, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, जो आपको चार में से चार अंक दिलाने वाले, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने अच्छे से कर लिया, बस एक पेज में आपका पूरा बन जाएगा, चार से पांच मिनट बन लगता है इस प्रश्न को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो हमने इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया, अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो बिल्कुल कमेंट कर पूछ लेना है। अब हम बनना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए, आओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, टेन स्टार लगा के रखना इसको, देखो चलो इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना। देखो क्या बोला गया कि एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक बच्ची है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर, एक लैंप पोस्ट पर, एक मतलब कि लैंप पोस्ट मतलब कि खंभे पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर लगे बल्ब, यानी कि जो बल्ब है उस खंभे पर 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है, से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही, कौन जा रही है, लड़की जा रही, खंभे से दूर जा रही है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो खंभे से दूर जा रही है, बिल्कुल सर। तो चार सेकंड बाद उस लड़की की हमें परछाई की लंबाई को ज्ञात करना है, चार सेकंड बाद क्या करना है, उस लड़की के परछाई की लंबाई को सर हमें ज्ञात करना है, बिल्कुल सर ज्ञात करेंगे। देखो आइए अब आइए इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं, देखो देखो बच्चों मैं ये नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है, लेकिन इसी के तरह हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है, लड़की की जगह लड़का बोल देगा, यहां पर 3.6 की जगह आपको बोल देगा कि 3.6 3.8 दे देगा या फिर 4 दे देगा 5 दे देगा, डेटा को चेंज कर दिया जाएगा, क्वेश्चन को हल करने का तरीका सेम होने वाला, बिल्कुल देख लो। सबसे पहले यहां पर लिखो हल, सर हमने हल लिख लिया, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर बात हुई थी लैंप पोस्ट की, यानी कि खंभे की बात हुई थी, तो बिल्कुल हम क्या बनाएंगे, यहां पर एक खंभा बनाएंगे, देखो तो खंभा बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, जमीन, देखो भाई जमीन बनाएंगे तो खंभे पर खंभा जो गड़ाएंगे तो जमीन पर ही तो गड़ेगा ना, ठीक है, तो यह है हमारा जमीन और इसमें एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है, मतलब कि खंभा लगा हुआ है, बिल्कुल देखो ये देखो ये, ठीक है आ जाओ अच्छे से बनाता हूं, देखो
ये एक लैंप पोस्ट है जहां पर एक बल्ब लगा हुआ है। ये देखो एक बल्ब लगा हुआ है। अब इस बल्ब की जो ऊंचाई है, इस बल्ब की जो ऊंचाई है हमें दिया गया सर 3.6 मीटर है। बिल्कुल 3.6 मीटर है। चलो मैं इस बल्ब की ऊंचाई को मान लेता हूं कि ए बी है। क्या बच्चों, ये ए से लेकर बी, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। देखो अब एक जो लड़की यहां पर खड़ी हुई थी वो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से दूर जा रही है, इस खंबे से दूर जा रही है। उसकी स्पीड कितनी सर, तो 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो चार सेकेंड बाद उस लड़की की हमें परछाई याद करना है। तो मान लेते कि लड़की पहले यहां पर खड़ी थी और चार सेकेंड बाद जो लड़की यहां पर पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक लड़की का चित्र बना देते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक लड़की का चित्र मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देख लेना, ये देखो यहां पर देखो मैंने एक लड़की का देखो एक मिनट थोड़े से ये देखो ठीक है। लड़की जैसे नहीं दिख रहा क्या, लड़की जैसे नहीं दिख रहा क्या, देखो देखो ये एक लड़की है। मान के चलो ये एक लड़की है। क्या बच्चों, एक लड़की है जो कि पहले खंभे की जगह पर खड़ी हुई थी और 1.2 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो खंभे से दूर जा रही है। तो मान लेते हैं कि इस लड़की की जो ऊंचाई है वो सीडी है और लड़की की जो ऊंचाई हमें प्रश्न में दिया गया था सर ये 90 सेंटीमीटर। कितना, 90 सेंटीमीटर सर हमें दिया गया था। बिल्कुल 90 सेंटीमीटर हमने यहां पर चिपका दिया। देख लो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु ए है ना इसको हम ऐसे मिला देंगे। देखो मैंने इसको ऐसे मिला दिया, देखो ये ऐसे मिला दिया। तो यहां पर हमें एक और बिंदु मिला हुआ है जिसे हमने नाम दिया हुआ है ई। क्या नाम दिया बच्चों, ई नाम दिया है। तो लड़के की जो परछाई की लंबाई है ना वो डी से लेकर ई तक में बनने वाली। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखो चलो हम लड़की की लंबाई को यहां पर ऐसे लंबवत रेखा से हमने इसको दर्शा दिया। देखो ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो हमें क्या क्या बात सर समझ में आ रही है। तो जो जो हमें दिया गया था, जो हमें निकालना था, उस बात को हम यहां पर लिखना चाहेंगे। देखो तो यहां पर हमें इस लैंप पोस्ट पर लगे बल्ब की ऊंचाई दे दी गई थी। तो हम यहां पर लिखेंगे दिया है लैंप पोस्ट पर लगे बल्ब की ऊंचाई, और इसको हमने क्या लिया हुआ बच्चों, हमने लिया हुआ इसको एबी। एबी बराबर क्या हो जाएगा, तो एबी बराबर सर ये हो चुका 3.6 मीटर। 3.6 मीटर सर ये हो चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर। फिर लड़की की ऊंचाई को दे दिया गया था सर सीडी। तो यहां पर हम लिखेंगे लड़की की ऊंचाई, ठीक है, लड़की की ऊंचाई। देखो अब लड़की की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो लड़की की ऊंचाई को हमने यहां पर लिया हुआ सर सीडी। तो सीडी बराबर क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर बच्चों इतना लिखते ही 2 सेकंड की रुक जाओ और सोचो, लड़की की ऊंचाई जो है वो सेंटीमीटर में दिया सर, और ये बल्ब की जो ऊंचाई है वो मीटर में दिया गया। मजा नहीं आ रहा है। दोनों का यूनिट हम सेम कर देंगे तो हमें पता है कि सर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको मीटर में जब कन्वर्ट करूंगा तो 3.6 को मैं 100 से गुणा करूंगा सर, तो मुझे मिल जाएगा 360 सेंटीमीटर। हमने मीटर को सेंटीमीटर में सर कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3.6 को मैंने गुणा कर दिया 100 से, तो मुझे मिल चुका है 360 सेंटीमीटर। अब दोनों की इकाई बराबर हो गई, दोनों अच्छे से मैच कर रहे हैं, अब मजा आ रहा है बिल्कुल। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, माना लड़के की परछाई की जो लंबाई है वो डीई बराबर 100 मीटर हम मान लेते हैं। बिल्कुल सर मान लेंगे। देखो तो यहां पर मैं लिखूंगा माना लड़की की परछाई की लंबाई, और इसको हम ले रहे हैं डी से लेकर ई तक की दूरी। तो ये हो जाएगा डी ई बराबर सर ये हो चुका 100 मीटर। बिल्कुल सर 100 मीटर हो चुका, बिल्कुल यहां तक की कहानी हमें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है। देखो अब देखो लड़की पहले यहां पर इस खंभे की जगह पर खड़ी हुई थी और 1.2 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलकर वो बिंदु डी पर पहुंच चुकी है। तब के केस में देखो उनके द्वारा चली गई दूरी को हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, दूरी को ज्ञात करेंगे। तो दूरी यानी कि पहले लड़की बी पर थी, अब यहां पर पहुंच चुकी है डी पर, तो बी से लेकर डी तक की दूरी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो दूरी बी डी बराबर, अब दूरी कैसे निकालेंगे कि कितना मीटर उन्होंने चला है। देखो
तो बच्चों आपको साइंस का एक फॉर्मूला अच्छे से याद होगा कि सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है सर? दूरी बटा समय होता है। ये हमें पता है, हमें निकालना है दूरी का मान। तो दूरी देखो, चाल के नीचे में कुछ नहीं, मतलब कि एक है, मैं एक का गुणा कर दिया दूरी से तो ये आ गया दूरी। अब देखो दूरी बराबर क्या निकल जाएगा, तो चाल का गुणा होगा समय से। तो दूरी बराबर सर हमें मिल चुका, चाल और समय मिल चुका। सर हम अगर दूरी निकालना चाहेंगे तो हमें चाल और समय की जरूरत पड़ने वाले। चाल हमें दे दिया गया था 1.2 मीटर प्रति सेकेंड और समय भी दे दिया गया था सर ये 4 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। चाल कितना था सर? ये था 1.2, गुणा करेंगे किससे? करेंगे 4 से करेंगे। 1.2 का गुणा करेंगे 4 से तो मुझे बीडी बराबर, दूरी बीडी बराबर सर मिल चुका 4.8 मीटर। बिल्कुल लड़की के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 4.8 मीटर है। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। देखो ये लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। चलिए हमें निकालना है कि D से लेकर E तक की दूरी क्या है, मतलब कि लड़की की परछाई की लंबाई क्या है, एक से को ज्ञात करना है। हमने इसको क्या माना हुआ सर? एक से माना हुआ। बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो अब यहां पर अपने चित्र को वापस देखो और समझो, हमें यहां पर ना दो समकोण त्रिभुज दिखने वाला है। पहला समकोण त्रिभुज जो है वो ए बी ई है, ए बी ई है, और दूसरा आपको समकोण त्रिभुज यहां पर दिखने वाला है जो कि मैं यहां पर आपको बनाकर दिखा देता हूं। देख लो ये सी डी ई है। दोनों त्रिभुजों को हम समरूप पहले प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे बच्चों? दोनों को समरूप प्रूफ करने वाले, बिल्कुल कर देंगे सर। आज देख लो तो मैं बात करूंगा त्रिभुज ए ए फिर बी ई में, त्रिभुज ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई व दूसरा सी डी ई में, व समकोण त्रिभुज सी डी ई में, बिल्कुल में क्या करेंगे? देखो दोनों को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं समरूप प्रूफ करेंगे। देखो तो सर यहां से मैं एक बात समझ आ रही है कि जो कोण बी है ना, ये जो कोण बी है वो 90 अंश का बनेगा क्योंकि ये लंबवत है, और यहां पर जो लड़की की हाइट है ये भी लंबवत रहेगा ना, तो ये भी 90 अंश का कोण बनने वाला है। यानी कि ये कोण बी और ये कोण डी दोनों क्या है? 90 अंश है, दोनों बराबर है। अब ये कोण बी का नाम क्या होगा? तो ए बी ई, तो यहां पर मैं लिखूंगा कोण ए बी ई बराबर कौन से कोण के बराबर है? तो सी डी ई, तो ये हो जाएगा कोण कोण सी डी ई। कितना है भैया? ये है 90 अंश, दोनों 90 अंश का है। यहां पर हम रीजन को लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश मैंने यहां पर चिपका दिया। ठीक है, वापस आओ, वापस आओ। अब यहां पर देखो और समझो, यहां पर आपको क्या दिखेगा? जो कोण ई है ना वो छोटे वाले त्रिभुज में भी है और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है। यानी कि कोण ई क्या होने वाला बच्चों? कोण ई होने वाला है आपका उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा सर? उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है सर, उभयनिष्ठ कोण हो चुका। और हमें अच्छे से पता है कि अगर अगर दो त्रिभुजों में दो कोण का मान बराबर हो चुके हैं, यानी कि वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। बिल्कुल, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप है कौन से त्रिभुज के? तो ये हो जाएगा सी डी ई, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप हो जाएंगे। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो अगर कोई दो त्रिभुज, अगर कोई दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, तो उनके संगत भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होते हैं। इसको हमने कई बार चर्चा की है, वो देखो। ठीक है, तो ए बी ई और ये सी डी ई दोनों क्या हो चुके? दोनों तो समरूप हो चुके, तो इनके संगत जो भुजाएं होती है वे समान अनुपात में होते, बराबर अनुपात में होते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ये देखो बी ई के बटे में ना मैं लिख सकता हूं डी ई। मैं अनुपात कैसे बना रहा हूं? बी ई को पहले मैंने ऊपर में लिखा और नीचे में सर ये मैंने लिख दिया डी ई को बराबर। अब यहां पर हम इसको देखेंगे तो AB के नीचे में सर ये लिखा जाएगा CD, बराबर के बाद ये हो जाएगा AB बटा सर ये हो चुका CD, AB बटा CD हो चुका। बिल्कुल सर। सर ये BE का मान कैसे निकालेंगे? तो BE का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? तो B से लेकर D तक की दूरी और ये D से लेकर E तक की दूरी को हम रख देंगे। तो यहां पर ये BE की जगह लिखा जाएगा BD, BD प्लस ये सर हो जाएगा, ये हो जाएगा D से लेकर E तक की दूरी। तो ये हो जाएगा D से लेकर E तक की दूरी, बटे में क्या आ जाएगा सर? DE बराबर। AB को कोई चेंज नहीं कर रहा है और CD को भी हमने कोई चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे? सभी का मान हम यहां पर चिपकाने वाले, बल चिपका दो। देखो BD, BD का मान क्या? देखो मैंने यहां पर बच्चों BD को क्या बोला था? दूरी बोला था, लड़की के द्वारा चली गई दूरी। हमने क्या निकाला सर? 4.8। बिल्कुल चिपकाओ, ये हो जाएगा 4.8 प्लस है तो प्लस। DE का मान सर, अब DE को हमने क्या लिया हुआ था? यानी कि लड़की की परछाई की लंबाई है और ये क्या मान है हमने? इसको x माना है, तो बिल्कुल ये एक से चिपक गया। अब DE, तो DE का मान हमें पता है कि अभी हमने लिखा था DE बराबर x, तो यहां पर भी मैंने x से चिपका दिया।
अब यहाँ पर ए बी, अब ये ए बी क्या है, तो ए बी को हमने यहाँ पर क्या लिया बताया, लैंप पोस्ट पर लगे बल्ब की ऊंचाई ए बी बराबर मैंने यहाँ पर लिखा था 360 सेंटीमीटर, 3.6 को मैंने चेंज किया सेंटीमीटर में तो 360 सेंटीमीटर हो चुका था, तो ये आ चुका सर 360 बटे में सी डी, और सी डी क्या है सर, तो सी डी है लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई क्या है सर, सी डी बराबर 90 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पर हमने चिपका दिया। चलो ये जीरो से ये जीरो निपट गया, 9 × 1 = 9 और ये जाएगा 4 × 12 = 9 × 36। अब हमें मिला क्या, तो 4.8 × 100 और नीचे में आ जाएगा 100 बराबर, अभी भी यहां पर क्या बचा हुआ सर, 4 बचा हुआ है, नीचे के 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल। अब आगे इस साइड इसको सॉल्व करते हैं, देखो आ जाओ, चलो हाँ, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो 100 का गुणा मैं कर देता हूं 4 से 3 गुणा, तो यहां पर ये 4.8 × 100 एज इट इज लिखा गया, कैसे, क्योंकि 4 के नीचे में कुछ नहीं मतलब कि 1 रहता है, 1 का मैंने 3 गुणा किया 4.8 × 100 से, तो मुझे क्या मिला 4.8 × 100 ही मिलेगा बिल्कुल। 100 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मिलेगा 4 100, बिल्कुल सर 4 100 मिल चुका। हमें तो निकालना है 100 का मान, हमें तो निकालना है 100 का मान, मैंने 4.8 को यहीं पर रखा, 4 100 को यहीं पर रखा, इस 100 को मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो धन बदल जाएगा सर ऋण, बिल्कुल बदल गया, तो 4.8 बराबर हमें मिल चुका 4 100 में, 1 100 हटा देंगे सर हमें मिल चुका 3 100 बिल्कुल। अब 100 के साथ जो गुणा में 3 है वो जाएगा कहां, भाग में जाएगा, तो 4.8 के भाग में आ जाएगा सर 3। अब देखो बच्चों यहां पर हमें 100 बराबर क्या मिलेगा, 4.8 को आपको 3 से भाग देना है तो 16 × 3 होता है 48, यानी कि 1.6 मीटर मिलने वाला है, कितना बच्चों 1.6 मीटर मिलने वाला है, और 100 को हमने क्या माना हुआ था, 100 को हमने माना हुआ था कहां पर गया, लड़की की परछाई की लंबाई, देख लो माना लड़की की परछाई की लंबाई DE बराबर हमने माना हुआ था 100 मीटर, और 100 का मान आ चुका है 1.6 मीटर, अतः लड़की की जो परछाई की लंबाई है वो 1.6 मीटर है बिल्कुल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लिखेंगे इसको, अतः लड़की की परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई, लंबाई कितनी है 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, यह होगा हमारा फाइनल आंसर जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाली है, बस 1.5 पेज बन जाएगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के बाद 5 मिनट में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे, आज हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात कर लिया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो 4 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में हम वापस से 2 प्रश्न में आपको बताने वाला हूं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पार्ट नंबर 4 में हम 2 प्रश्न वापस करने वाले हैं। आज के इस क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया बिल्कुल अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर डालो, इसको बार बार प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो। मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।